हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को तो मालूम है कि हमने सीटेट की क्लास शुरू कर दिया है और CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की दो क्लास हम कर चुके हैं। तो आज हमारा तीसरा क्लास होगा, हम इस पर भी CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास लेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप आपको EBS की भी क्लास देने वाले हैं, मैथ्स या इंग्लिश सभी कोर्स की हम आपको क्लास देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आज CDP की क्लास लेंगे और यहाँ पे आप सभी को एक बात बता देना ज़रूरी है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ बात की थी कि हम PDF देने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त जो PDF का लिंक था वो क्रिएट नहीं हो रहा था, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने आपको नहीं दिए पाए हैं। आज हम आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये PDF दे देंगे, आप वहाँ से जाकर इस PDF को ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है, तो यहाँ पे बताया गया है द इन्वेंटर ऑफ रिपीटेशन मेथड ऑफ गेम इज, यानी खेल की पुनरावृत्ति विधि का आविष्कारक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉड, स्टेनली हॉल, मैकडूगल, उसके बाद जॉन डीवी। तो उनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन सही दिया गया है स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ही खेल की पुनरावृत्ति विधि का आविष्कारक है। द इन्वेंटर ऑफ रिपीटेशन मेथड ऑफ गेम इज स्टेनली हॉल। तो ये बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ करिकुलम ऑफ किंडरगार्टन स्कूल। तो यहाँ पे बालवाड़े स्कूलों के पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन का नेचर ऑफ करिकुलम ऑफ किंडरगार्टन स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल की जो स्कूलों के पाठ्यक्रम की प्रकृति के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं आर्ट सेंट्रिक, चाइल्ड सेंट्रिक, सिलेबस ओरिएंटेड, डिसिप्लिन ओरिएंटेड। तो यहाँ पे जो आर्ट सेंट्रिक यहाँ पे देख सकते हैं कला केंद्रित या चाइल्ड सेंट्रिक बच्चे के, चाइल्ड सेंट्रिक बच्चे केंद्रित, सिलेबस ओरिएंटेड सिलेबस रिलेटेड है, डी आर डिसिप्लिन ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे आपको जान लेना चाहिए ये जो ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, उसका सही ऑप्शन है चाइल्ड सेंट्रिक, यानी किंडरगार्टन स्कूल का जो नेचर ऑफ करिकुलम है वो चाइल्ड सेंट्रिक ही है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, ये बी वाला ऑप्शन किंडरगार्टन नेचर ऑफ करिकुलम ऑफ किंडरगार्टन स्कूल इज चाइल्ड सेंट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर एडुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग वाज इस्टेब्लिश, यानी राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी, जिसे अगर शॉर्टकट में बात करें तो NCERT NCERT की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इन 1962, 1991, 1961, 1986। तो यहाँ पे आप सभी को जान लेना चाहिए 1961 वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सही ऑप्शन है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर एडुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग जिसे शॉर्टकट में NCERT कहा जाता है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। तो सी वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सही ऑप्शन है। उसके बाद टू बिकेम ए टीचर, शिक्षक बनने के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षक बनने के लिए क्या स्पेशली कुछ होना चाहिए, जिनके पास ये करेक्टर होंगे वो ही शिक्षक बन सकते हैं, या क्या क्या कौन कौन सा ऑप्शन शिक्षकों में होना चाहिए तो शिक्षक वो बन सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं द पर्सन मस्ट हैव कम्प्लीट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, यानी जो पर्सन या जो शिक्षक बनना चाहते हैं उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, लीडरशिप क्वालिटी उनको जो वह लीडर टाइप होना चाहिए, मेंटेनिंग डिसिप्लिन उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी ये तीनों ऑप्शन जो दिया गया है तीनों ऑप्शनों में से तीनों ऑप्शन उनके पास रहना होगा। तो यहाँ पे द पर्सन मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज अबव द सब्जेक्ट मैटर, लीडरशिप क्वालिटी, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, तो उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। तो इसका अगर सही आंसर जाने तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो इन्हें अगर कहीं शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षक बनने के लिए इन सारे आदत या इन सारे करेक्टरिस्टिक उनमें होना चाहिए। उसके बाद द एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर फॉर ए टीचर इन क्लासरूम, शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक तत्व है। द एसेंशियल एलिमेंट,
तो यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को, द एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर ए टीचर इन क्लासरूम, यानी अगर एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या क्लास में पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो एक इम्पोर्टेंट वस्तु है होना चाहिए एक शिक्षक अगर क्लास में पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ब्लैक बोर्ड, चेयर टेबल, स्टिक, टेलीविज़न। तो यहाँ पे अगर बात करें तो चेयर टेबल ना होने से भी वह पढ़ा सकते हैं, स्टिक की ज़रूरत सभी जगह में नहीं है, टेलीविज़न की तो बात भी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ब्लैक बोर्ड के बारे में बात की जाए तो ब्लैक बोर्ड सबसे ज़्यादा ही ऑप्शनेबल है और ब्लैक बोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है क्लास में, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के ज़रिए अगर शिक्षक के पास बैठने की भी कुछ ना हो, या किसी किसी स्कूल में ऐसा होता है कि शिक्षकों को चेयर टेबल भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ शिक्षकों को बताया जाता है कि क्लास ले, तो इस वक्त यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड वाले जो ऑप्शन हैं यानी द एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर फॉर ए टीचर इन क्लासरूम इज ब्लैक बोर्ड, तो ये वाला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखें तो द मेन कैरेक्टर ऑफ मेंटल हेल्थलेसनेस यानी मानसिक स्वस्थता के मुख्य चरित्र, यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया मेन कैरेक्टर ऑफ मेंटल हेल्थलेसनेस, तो यहाँ पे कौन सी कैरेक्टर मेन हो सकता है मेंटल हेल्थलेस की। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सेस स्लीपिंग, डिलाइबनेस, या यहाँ पे दिया गया है नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप देखें तो देख सकते हैं ये जो ऑप्शन दिया गया है या यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थनेस का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या मानसिक उनको प्रॉब्लम है या जो एक्सेस स्लीपिंग की कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मानसिक स्वस्थता का मुख्य चरित्र हो सकता है डिलाइटनेस, यानी जो डिलेनेस की जो प्रॉब्लम है वो होने से क्या मानसिक स्वस्थता का मुख्य चरित्र हो सकता है या नॉन ऑफ द अबव। तो उनमें से यहाँ पे बताया गया है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से मानसिक स्वस्थता का मुख्य चरित्र हो सकता है। उसके बाद बात करें तो बाय अमेंडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 वाज इनेक्टेड, यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित करके 2009 का अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा अधिनियम बनाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, बाई अमेंडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन ऑफ 2009 वाज इनेक्टेड, यानी कौन सा संविधान के कौन सा एक्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करके ये बताया गया है कि फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट जो 2009 बनाया गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर यहाँ पे बताया गया है 45, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर यहाँ पे एक ऑप्शन मिस हो गया है, आर्टिकल नंबर 52 यहाँ पे दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 52, तो उनमें से कौन सा आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बताया गया है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 को बनाया गया है। तो उस जगह अगर बात करें तो यहाँ पे यह ऑप्शन दिया गया है आर्टिकल नंबर 21 को इस्तेमाल करके ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद को संशोधित करके 2019 का अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम बनाया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रिगार्डिंग एजुकेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, शिक्षा के संबंध में समस्या समाधान विधि द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ पे शिक्षा के संबंध में समस्या समाधान विधि द्वारा, यानी द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रिगार्डिंग एजुकेशन, यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रिगार्डिंग एजुकेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रिगार्डिंग एजुकेशन यानी शिक्षा के विषय में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो बनाया गया है वो किसके द्वारा आविष्कार किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है प्लेटो, मरिसन, जॉन डीवी, एरिस्टोटल। तो यहाँ पे अगर उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन मरिसन वाला जो ऑप्शन है वह ऑप्शन ही सही है, यानी मरिसन के द्वारा शिक्षा के संबंध में समस्या समाधान विधि खोजा गया था। उसके बाद बात करें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ गेम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा खेल का चरित्र नहीं है। गेम इज ए क्रिएटिव प्रोपेंसिटी, गेम इज ए वायलेंट प्रोपेंसिटी, गेम इज ए एक्टिव प्रोपेंसिटी, गेम इज इंडिपेंडेंट प्रोपेंसिटी,
यानी यहाँ पे बात किया गया है गेम जो खेला या खेल होते हैं वो किसी क्रिएटिव प्रोपेंसिटी हो सकता है या कि प्रवणता हो सकता है। गेम इज ए वायलेंट प्रोपेंसिटी यानी हिंसात्मक प्रवणता हो सकता है। गेम इज एक्टिव प्रोपेंसिटी गेम जो हो या खेल जो एक एक्टिव प्रवणता है। गेम इज ए इंडिपेंडेंट प्रोपेंसिटी गेम जो स्वाधीन प्रवणता है। तो यहाँ पे कौन सा खेल का चरित्र नहीं है क्वेश्चन आप समझ सकते हैं या क्वेश्चन नॉट करेक्टर नॉट ए करेक्टर ऑफ गेम। तो ये जो ऑप्शन यहाँ कौन सा खेल का चरित्र नहीं है वो ऑप्शन यहाँ पे देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ऑप्शन गेम इज ए वायलेंट प्रोपेंसिटी ये ऑप्शन ही गेम का कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन आपके साथ बात किया है। समय समय आपको क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपके सारे स्टडी मटेरियल। तो CDB का 3rd क्लास हमने किया है तो नेक्स्ट क्लास चाहे EBS का होगा EBS की कुछ क्लास हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको CTET की परीक्षा के सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप घर बैठ बैठ के इन PDF को लेकर भी कुछ